गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम EVS में चैप्टर नंबर 7 स्टेइंग हेल्दी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई टेक गुड केयर ऑफ माय बॉडी, आई कीप इट क्लीन टू स्टे हेल्दी, आई वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड स्टे टाइडी। तो क्या है कि आई टेक गुड केयर ऑफ माय बॉडी, तो मैं अपनी बॉडी का, अपनी शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखता हूँ। आई कीप इट क्लीन टू स्टे हेल्दी, मैं उसे हेल्दी रखने के लिए उसको क्लीन रखता हूँ, रोज़ नहाता हूँ, क्लीन रखता हूँ अपनी बॉडी को। आई वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड स्टे टाइडी, मैं क्लीन क्लोथ्स पहनता हूँ और टाइडी यानी कि अच्छे से रहता हूँ। आई डू द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टे हेल्दी, तो यहाँ पे कुछ थिंग्स है जिसको फॉलो करना है हेल्दी रहने के लिए, तो हम पढ़ते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठता हूँ। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हेल्प अस टू टेक इन फ्रेश एयर विच इज़ गुड टू कीप आर लंग्स हेल्दी। जल्दी उठने से क्या होता है कि हमें फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है जो हमारे ब्रेथ में जाती है, ब्रीथ के थ्रू, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के हमारे शरीर में जाता है जिससे हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े, वो क्या होता है, हेल्दी रहता है और हमारी बॉडी भी अच्छी और हेल्दी रहती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप माई बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मैं सुबह हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाना है ना, इसीलिए हमें रोज़ सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप माई टीथ जम फ्री एंड हेल्दी, इट ऑल्सो कीप आर ब्रेथ फ्रेश। तो हमें क्या करना चाहिए, दिन में दो बार हमें ब्रश करना चाहिए, सुबह उठ के हमें ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करने के बाद ही सोना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, टू कीप माई टीथ जम फ्री। जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं हम खाते हैं तो सब मुंह में बैक्टीरिया जर्म्स जमा हो जाते हैं अपने टीथ में, तो उसे क्लीन करने के लिए हमें सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे दांत भी मजबूत होते हैं, जर्म्स भी भाग जाते हैं और हमारी ब्रेथ यानी कि हमारी सांस फ्रेश रहती है। ठीक है। आई टेक केयर ऑफ माई सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दिस फाइव आर अवर सेंस ऑर्गन्स। एज माई सेंस ऑर्गन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे सेंस ऑर्गन्स है जो फाइव हमारे सेंस ऑर्गन्स है, क्या क्या है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। और क्यों, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है। आई टेक अ बाथ एवरी डे एंड वाइप माई सेल्फ ड्राई टू कीप माई बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड अवे फ्रॉम डिसीज। तो क्या करना चाहिए, हमें हर रोज़ बाथ लेनी चाहिए, बाथ लेनी चाहिए यानी कि नहाना चाहिए, एंड वाइप माई सेल्फ ड्राई, तो बाथ लेने के बाद उस पर पानी आता है हमारे बॉडी पे, तो हमें उसे ड्राई करने के लिए अच्छे क्लीन टॉवल से हमें हमारे बॉडी को ड्राई करना चाहिए। ठीक है। और हमारे बॉडी को हमें क्लीन करना चाहिए, क्यों क्लीन करना चाहिए, क्योंकि क्लीन बॉडी होगी तो हम हेल्दी रहेंगे और हमें कोई डिजीज़ नहीं होगा। ठीक है। हमें कुछ, हम सब अच्छे तरह से रहेंगे, हमारी बॉडी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है। आई ऑयल एंड कॉम्ब माई हेयर डेली टू स्टे टाइडी। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए,
हमारे बालों में हर रोज़ तेल लगाना चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए और उसे अच्छी तरह से कॉम्ब करने चाहिए, ठीक है। आई वेयर क्लीन क्लोथ्स टू कीप द जर्म्स अवे एंड लुक गुड। हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स, क्लीन जो कपड़े होते हैं, क्लीन अच्छे से धोए हुए वो हमें पहनने चाहिए। टू कीप द जर्म्स अवे एंड लुक गुड, अच्छे दिखने के लिए और जर्म्स और बैक्टीरियाज जो होते हैं उसे दूर करने के लिए, ठीक है। आई कीप माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन टू अवॉइड डर्ट एंड जर्म्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे नेल्स को ट्रिम करना चाहिए, नेल कटर से हमें हमारे नेल्स को कट करना चाहिए अच्छी तरह से एंड क्लीन करने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बड़े नेल होते हैं उसमें क्या होता है, डर्ट, धूल और जर्म्स जमा हो जाते हैं और उसी हद से हम खाते हैं तो वही वो डर्ट और जर्म्स हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर क्या होता है, हमें बुखार आता है, हम बीमार हो जाते हैं, कहीं कहीं जैसे बहुत सारे डिसीज़ हमें हो जाते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे नेल्स को अच्छी तरह से ट्रिम करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। आई ईट हेल्दी फूड सच एज ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू कीप माई बॉडी फिट। हमें हमारी बॉडी को फिट करने के लिए क्या खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स। अभी तो सर्दी चल रही है तो बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट में आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें हर रोज़ खाने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, हमें सीजनल फ्रूट्स, जो सीज़न में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है वो हमें खाना चाहिए। मिल्क हर रोज़ पीना चाहिए, मिल्क में कैल्शियम होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो बच्चों हमें मिल्क पीना चाहिए। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स बटर, चीज़, बटर मिल्क, कर्ड, ठीक है, दही, छाछ, बटर, चीज़, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूध से बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हमें हमारी डेली लाइफ में हमें ये सब फूड को इंक्लूड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी ये सारे फ्रूट्स खाने से, ये सारे वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स सब खाने से क्या होती है, फिट रहती है और हम हेल्दी रहते हैं। आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर डेली टू कीप माई सेल्फ फिट। तो मैं क्या करता हूँ, डेली प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वाटर, बहुत सारा वाटर हमें डेली पीना चाहिए। वाटर पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी वो हाइड्रेटेड रहती है, हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं रहती और हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और जो हमारी बॉडी में जमा जो कचरा होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आई वॉश माई हैंड्स ऑफन टू कीप देम क्लीन एंड ऑल्सो वॉश बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए, बहुत ही बार हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए और हमें खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से साबुन से या फिर हैंड वॉश से हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। आई टेक 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप डेली फॉर अ हेल्दी माइंड। हमें हमारी माइंड को हेल्दी, हमारे मेंटल कंडीशन को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको आराम देना चाहिए। कैसे, तो हर रोज़ हमें 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा माइंड हेल्दी रहता है। अब देखेंगे मोर टू नो। तो और आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एन एवरेज ऑफ 60% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में क्या होता है, 60% जैसा जितना वाटर होता है, पानी होता है। ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स
हेल्प आर बॉडी टू टेक इन सफिशियंट ऑक्सीजन। मैंने आगे बताया वैसे ही हमें सुबह उठ के फ्रेश एयर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमें ऑक्सीजन लेना चाहिए। और हमें क्या खाना चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, अच्छे फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, हर रोज़ मिल्क पीना चाहिए और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स, ठीक है, चीज़, बटर मिल्क, कर्ड, ये सब हमें खाना चाहिए। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स गिव्स स्ट्रेंथ टू आर बॉडी। हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी और फिट बने, ठीक है। नाउ आई नो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज कीप मी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हर रोज़ सुबह जल्दी उठने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फिट एंड फाइन रहती है, ठीक है। तो हमें हर रोज़ जल्दी उठना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। कीपिंग माई बॉडी क्लीन एंड वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स कीप मी अवे फ्रॉम जर्म्स एंड सेव्स मी फ्रॉम डिजीज। हमें हमारी बॉडी को हर रोज़ क्लीन करना चाहिए, हर रोज़ हमें नहाना चाहिए और हमें नहाने के बाद उसको क्लीन टॉवेल से ड्राई करना चाहिए। उसके बाद हमें एकदम क्लीन क्लोथ्स होते हैं, क्लीन कपड़े हमें पहनने चाहिए जिससे हम और हमारी बॉडी जर्म्स से और बहुत सारे डिजीज से दूर रहे, ठीक है। ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स कीप मी हेल्दी एंड फिट। मैंने आगे ही बताया ऐसे ही कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से हम हेल्दी एंड फिट रहते हैं, ठीक है। तो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। ड्रिंकिंग इनफ वाटर कीप्स माई बॉडी फिट फ्रॉम इनसाइड। हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में जो कचरा होता है वो गंदा कचरा निकल जाए और हमारी बॉडी अंदर से ही बहुत ही फिट एंड फाइन रहे, ठीक है। गुड स्लीप कीप्स माई माइंड हेल्दी। अच्छी 8 से 10 घंटे की नींद लेने से हमारा माइंड हेल्दी रहता है, तो हमें अच्छी तरह से सोना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर्स फिनिश होता है। हम आगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।